आखिर क्यों होती हैं? गिलहरियों के शरीर में तीन धारियां। जब भगवान राम माता सीता को रावण की लंका से वापस लाने के लिए राम सेतु पुल का निर्माण कर रहे थे, उसी समय एक छोटी सी गिलहरी अपने पूरे शरीर में धूल लपेट रही थी और पुल पे आके दो पत्थरों के बीच में छोड़ रही थी। वह लगातार ऐसा ही कर रही थी। उसी धूल की वजह से दो बड़े पत्थर एक दूसरे से जुड़ रहे थे। उस गिलहरी को देखकर एक वानर उस पर हंसता है और कहता है कि तुम इतनी छोटी सी हो, इसलिए तुम इन पत्थरों से दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन पत्थरों के नीचे दब जाओ। तब गिलहरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये देखकर भगवान राम उस गिलहरी के पास गए और उस गिलहरी को अपने हाथों पर उठाकर बोले, यह तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने भगवान राम को प्रणाम किया और पूरी बात बताई। गिलहरी के समर्पण को देखकर भगवान राम ने अपनी तीन उंगलियां उस गिलहरी पर फेर दी। स्पर्श के कारण गिलहरी की पीठ पर तीन रेखाएं बन गई, जो आज भी हर एक गिलहरी के ऊपर श्री राम के निशानी के रूप में मौजूद है। ये तीन रेखाएं राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतीक हैं। तो आओ सब मिलके बोले जय श्री राम।